इसके बादल अब छट गए हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है। बार बार मंत्री बनने वाले चेहरों की बजाय नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दो या अधिक बार जीत चुके चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावना है। राहुल गांधी ने सरकार में संगठन का रोल को भी अहमियत दी है। मंत्रिमंडल बनाने में प्रभारी सचिव और सचिवों से ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की गई है, ली गई है। 15 से 18 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, चारों सचिव काजी निजामुद्दीन, तरुण कुमार, देवेंद्र यादव और विवेक बंसल भी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि मंत्रिमंडल छोटा होगा। मंत्रिमंडल में अधिकांश नए चेहरे इस बार हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आकलन को भी देखा जाएगा। अभी प्रक्रिया जारी, अभी तक भी अभी मामूदी जी मैंने बात करी है, वो राहुल जी के टच में भी है। वेणुगोपाल जी और अविनाश पांडे जी, अभी मैं ICC की बात आपके देख रहे हैं, आपके सामने बात कर रहा था, तो अभी वो उनके टच में हैं। जैसी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी, हम जयपुर जा रहे हैं, लिस्ट आते ही हम लोग डिक्लेयर करेंगे, वहाँ पर बता देंगे। तो ठीक है, कल होगा संभावना, कल की है, संभावना कल की है। ओके जी, और बताओ कोई बात हो तो। छोटा छोटा मंत्री परिषद होगा, नए चेहरों को मौका, ये जब सामने आएगा तब। मैंने कहा इस बार राहुल जी ने प्रक्रिया एडॉप्ट की है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो सेक्रेटरी 2-2.5 साल काम कर रहे थे वहाँ, उनकी राय क्या है वहाँ पर, हमारे जो लोग जीत क्या है उनके बारे में भी, और ओवरऑल स्थिति क्या है उस क्षेत्र की, उनकी भूमिका क्या है, वहाँ तक जाकर के वो फैसले करना चाहते हैं। इसी रूप में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी को सामने रख करके हाईकमांड फैसला कर रही है। जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज एंड ऑब्जर्वर जो गए थे वहाँ, मिस्टर वेणुगोपाल जी, तो इस प्रकार से जो ग्राउंड रियलिटी को सामने रख कर के हकीकत क्या है उस पर चलना चाहते हैं। दूसरा वो चाहते हैं कि नए चेहरा आए, उस रूप में वो फैसले कर रहे हैं। तो जब फैसले होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तब मैं समझता हूँ कि सबको मालूम पड़ जाएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार की पहली बूझ ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, और पूरे इस घटनाक्रम में सूत्रधार के रूप में और मुख्य भूमिका जो निभाई, जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी हमारे साथ में, पूरी जो मंत्रिमंडल की जो कहानी थी और जो लंबा बैठकों का दौर चला, उसमें आप बिल्कुल धुरी बन के काम किया और अब मध्यस्थता की, क्या पूरा प्रक्रिया क्या चली सर? देखिए मनोहर जी, ये मंत्रिमंडल का गठन एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही विशेष प्रक्रिया होती है, जो कि सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में सबसे बड़ी हमारे बीच की लिंक होती है। और निश्चित रूप से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस प्रक्रिया को में सहभागी होते हुए सभी जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के शीर्ष नेतागण, सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरी, प्रभारी, सबके साथ में चर्चा की और इसके बारे में कैसे हम एक इफेक्टिव और एक अच्छा मंत्रिमंडल बना सकते हैं उसके बारे में सबके सुझाव लिए। एक चीज मैं कह सकता हूं कि इस मंत्रिमंडल में कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे दें, ज्यादा से ज्यादा वो युवा चेहरे दें जो कि लोगों के बीच में भी और संगठन के बीच में रात दिन काम कर चुके हैं। राहुल जी का एक ही ध्येय रहा है कि जो संगठन में जिसका योगदान रहा है, जो लोगों के बीच में जिसने काम किया है, जो लोगों के बीच में पॉपुलर है और जिसमें डिलीवर करने की क्षमता है, तो उनको पहले मौका देना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज जो आपने की उसमें इस बार राहुल गांधी एक नए तरीके से जो काम किया कि महासचिव और प्रभारी सचिवों से भी फीडबैक लिया गया मंत्रिमंडल बनाने को लेकर के, क्या यह नए दौर की कांग्रेस की नई स्टाइल, वर्किंग स्टाइल है क्या? देखिए राहुल गांधी अपने आप में संगठन को सर्व प्राथमिकता हमेशा देते आए हैं और कांग्रेस के अंदर में संगठन एक बहुत अहम भूमिका अदा करती है, तो इसमें नयापन कुछ भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जिस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कार्य शुरू किया गया, उसमें जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनको इसमें निश्चित रूप से प्राथमिकता दी है। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा किया और आज माननीय कांग्रेस अध्यक्ष से जैसे भी मान्यता मिलती है, तो कल सुबह मुझे उम्मीद है कि कल सुबह
हम मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ ग्रहण दिला सके। शुक्रिया। पांडे साहब कह रहे हैं कि कल सुबह मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है और गठन जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और कल सुबह के जो मंत्रिमंडल होगा उसमें ये बताया जा रहा है कि जो नए चेहरे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सहयोगी हेमंत के साथ मनोहर बिश्नोई जी, मीडिया दिल्ली। नए चेहरों को तवज्जो देने की बात कही जा रही मनोहर, दामोदर और सुशांत इस वक्त हमारे तीन सहयोगी हैं। दामोदर, सबसे पहले आपकी पास आना चाहेंगे, एयरपोर्ट पर आप इस वक्त है, क्या कुछ हलचल है, क्या पहुंच चुके हैं दोनों नेता? देखिए, जो अभी हमारे को सूचना मिली कि जो जयपुर एयरपोर्ट पे है सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उनका विमान पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर में यहाँ बाहर उनका जो काफिला वो निकलेगा, शायद आप देख सकते हो कैमरे में कि जिससे कि उनका काफिला शायद रवाना हो चुका है। अंदर से पुलिस की गाड़ियाँ बाहर निकल रही हैं, ऐसा ही लग रहा है कि अंदर वो पहुँच चुके हैं। अब वो रवानगी उनका बाहर निकलने का ही निकलना है बस अभी। जी ठीक है, लेकिन वहां पर कोई और पहुंचा है क्या? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को रिसीव कर दें, क्या कोई जानकारी है कि वाकई में किन चेहरों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल इस सूची में शामिल है? देखिए मैं बताऊं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वहीं एडिशनल जिला कलेक्टर, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उनको रिसीव करने के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो स्वागत के लिए पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में तस्वीरें, जिससे उनका काफिला अब रवाना हो चुका है। गहलोत साहब और सचिन पायलट का, गहलोत साहब अपनी गाड़ी में गए हैं, वहीं पायलट। तो बिल्कुल दामोदर, आप तस्वीर इस वक्त दिखा रहे, देख सकते हैं ये काफिला, ये फ्लीट है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है और जयपुर पहुंचने के बाद इस वक्त वहां से रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले ही समझ में आ रहा था। दामोदर बोलिए। देखिए काफिला रवाना हो चुका है यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट से, जो माना जा रहा है वो सीधे शायद राजभवन जाएंगे, वहाँ पे जो मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो शायद अब पूरी हो जाएगी। गाड़ी का क्या जी? तो बिल्कुल सही दामोदर, आपने कहा यहाँ से फ्लीट रवाना हो चुकी है, क्या यहाँ से सीधे राजभवन जाने की तैयारी है, क्या कोई जानकारी मिली है? शायद हो सकता है कि कहाँ जाने का, हमारे साथ कुछ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं, जो काफिला निकला है भी गहलोत साहब और पायलट, अब सीधे कहाँ, क्या सीएमओ जाएंगे या राजभवन जाएंगे जो मंत्रिमंडल का? कि अब जल्दी मंत्रिमंडल का, अब जो हमारा पुनर्गठन होने वाला है तो इसलिए मंत्रिमंडल गठन को लेके सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो पीसीसी के जो चीफ हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, ये सारे अभी जल्दी मतलब राजभवन की ओर कुछ करेंगे। और ठीक है दामोदर, मनोहर आपके पास आना चाहेंगे इस वक्त, क्या कुछ जानकारी दिल्ली से है, क्या कितने देर में वहां से मंत्रिमंडल को लेकर बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी, चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं जयपुर और ये भी खबर है कि कुछ देर में यहां से राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल साहब से मुलाकात करने? देखिए संजय, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है कि राहुल के ऑफिस से जो लिस्ट फाइनल है वो हो चुकी है और ये सीधे अविनाश पांडे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है सूचना कर दी गई है। चूंकि अशोक गहलोत ने कई ऐसे जो विधायक हैं उनको फोन करके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उनको निमंत्रण दिया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी तक चुनिंदा जो है विधायकों के पास फोन गया है और बाकी की एक्सरसाइज है वो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी, चूंकि जो है विधायकों को एक औपचारिक निमंत्रण ना होता है और जो मुख्यमंत्री खुद उनको आमंत्रित करते हैं शपथ लेने के लिए। अभी तक की जानकारी यह है कि आरजी ऑफिस ने जो है सूची को अंतिम रूप दे करके सूचित कर दिया है अविनाश पांडे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और इसके बाद जो है गहलोत ने जिन विधायकों को शपथ दिलानी है उनको, उनमें से कुछ चुनिंदा विधायकों को है जो फोन करके सूचना दी है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हो, बधाई भी दी है। शामिल हो सकते हैं। सुशांत भी मनोहर हमारे साथ इस वक्त है जयपुर से लगातार। सुशांत आपके पास आना चाहेंगे। मनोहर ने जैसा कहा कि विधायकों को फोन जाना शुरू हो चुका है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्या कुछ इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आपके पास है? बिल्कुल ये खबर सही है, कुछ विधायकों से संजय हमारी बात हुई है, उनके पास समाचार आ चुका है, उन्हें जयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी जो है 3 से 4 विधायकों के पास ही सूचना आई है इस तरह की, तो लिहाजा हो सकता है कि उन्हें फोन किया जा रहा हो और कुछ नामों को लेकर संशय हो,
तो उनको थोड़ा डिले से फोन किया जाए, लेकिन जिनको जयपुर पहुंचना है समय लगेगा। जयपुर के भी एक विधायक के पास टेलीफोन आने की सूचना हमें मिल रही है। लेकिन दूसरा ये कि एयरपोर्ट सुशांत, हम चाहेंगे कि अगर जिन विधायकों से बातचीत हुई है, जिनके पास फोन आया है, क्या उन विधायकों का नाम भी सामने आ सकता है इस वक्त? क्योंकि सूची तो जारी होगी, लेकिन संभावना तो कम से कम जो जताई जा रही थी उस पर अब लगता है कि कदम बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल संजय, थोड़ा इंतजार और कर लिया जाए। कुछ एक जो नाम है, शायद उनको वो चाह रहे हैं कि अभी उन्हें जयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, तो वो नहीं चाह रहे कि अभी कोई ऐसा नाम उनका आए, इसी शर्त पे उन्होंने हाँ भरी है इस बात की। अच्छा। लेकिन हम कुछ देर में बता देंगे किन किन विधायकों के पास फोन आए हैं, सिलसिलेवार ढंग से उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा अपडेट संजय ये कि अभी जो काफिला रवाना हुआ है, रूट लाइनिंग जो कंट्रोल रूम में मैसेज आता है, उसमें अशोक गहलोत का 49 जो बंगला है सिविल लाइन्स पे पुराना, वहाँ आने की सूचना है। और दूसरा सचिन पायलट के जालूपुरा में जो उनका आवास है, वहां पर आने की जानकारी मिल रही है, जो पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज है रूट लाइनिंग के हिसाब से। लेकिन राजभवन, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं अभी सिविल लाइन्स अशोक गहलोत के पुराने बंगले के बाहर, वहाँ कैमरामैन को मनोज को मैं कहूँगा कि तस्वीर एक बार आपको दिखा दे। अभी सुरक्षा व्यवस्था उसी तरह से मुस्तैद है, इंतजार हो रहा है। लेकिन इससे ठीक जो है 500 मीटर की दूरी पर राजभवन है, और वहाँ पर भी प्रोटोकॉल जो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनकी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, वहाँ हलचल बढ़ रही है। और ये तय मानिए कि कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, टेंटेटिव टाइम 11:30 का है, उसमें ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। और सूची जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपने लोगों को फ़ोन करना शुरू किया है, सचिन पायलट निश्चित तौर पर अपने लोगों को टेलीफोन करके बधाई दे रहे होंगे, और सूची एक तरीके से भले ही ऑफिशियल जारी नहीं हुई हो, लेकिन इन दोनों नेताओं को कह दिया गया होगा कि जिन नामों पे सहमति बन गई है उनको आप टेलीफोन कर दीजिए। फाइनल लिस्ट का इंतजार करना होगा, और इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में अविनाश पांडे या जो भी कांग्रेस के नेता हैं, जो भी प्रोसीजर है उसके जरिए सूची डिक्लेयर कर देंगे। अगर सचिन पायलट के चहेतों की बात की जाए, तो क्या इस मंत्रिमंडल में जो अब तक आपके पास स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है, चेहरे साफ होते दिखाई दे रहे हैं, उनके कद को कितना आंका जाए, क्या बैलेंस हुआ है, या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर वर्चस्व था पहले, वो हालात अब भी बरकरार है? देखिए संजय, हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार पैरामीटर जो है मंत्रिमंडल के चयन का, वो बिल्कुल बदल गया है। पहले मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता था, कांग्रेस सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली में जाकर मंथन होता हो, इतना वक्त लगे। यहाँ आलाकमान से पूछना जरूर होता था, उन्हें बताया जाता था कि किस वजह से किस नेता को तरजीह दी जा रही है, लेकिन इस बार डिसाइड ही वहाँ हुआ है। तो इस बार पैरामीटर सब कुछ जो है, मापदंड पूरे बदल गए हैं। और हमने अशोक गहलोत को, अविनाश पांडे को सुना, दोनों नेताओं ने जो एक कॉमन बात की वो ये थी कि ग्राउंड रियलिटी जो है, जिन नेताओं की जो जमीन जनाधार वाले नेता हैं, केवल चुनाव जीतकर आना या पुराना जो रिकॉर्ड रहा हो उसकी वजह से नहीं, इस बार कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल में उन लोगों को जगह देगी, उन नेताओं को जगह देगी जो एक मजबूत पकड़ रखते हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और आने वाले दिनों में कांग्रेस को लगता है कि इनमें संभावनाएं हैं। ऐसे नेताओं की हम लगातार बात कर रहे हैं, उनको जगह मिलना और कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जैसा कि मनोहर बार बार कह रहे हैं। तो वो नए चेहरे कौन से होंगे, उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने कभी भी फर्स्ट टाइमर जो जीत के आए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। ये अगर बदलाव देखने को मिलता है, तो क्या ये कांग्रेस की बदली हुई राजनीति का संकेत होगा? क्या मंत्रिमंडल की औसत आयु जो है वो 30-35-40 साल के आसपास रहेगी? तो ऐसे में वरिष्ठ जो नेता हैं, वो नेता जिनकी भूमिका हम अलग अलग तरह से चर्चा कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी साथ लेकर चलेगी, उनका क्या रोल रहेगा विधानसभा हाउस में, एक बड़ा आंकड़ा जो है कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में वहां भी एक चुनौतीपूर्ण, चाहे वो शांति धारीवाल हो, सीपी जोशी हो, मास्टर भवनलाल मेघवाल हो, जितेंद्र सिंह हो, दीपेंद्र सिंह हो, ये जो बड़े नाम है, महेंद्र जीत सिंह मालवीय हो, ये नाम, ये चेहरे जो हैं वो वहां पर हाउस में दिखें, इस बात की पूरी कोशिश होगी, कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सुशांत, आपने सही कहा, लेकिन दिलचस्प एक और आंकड़ा देखने वाला होगा कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भी कुछ कदम उठाया जाता है। और ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं सुशांत, कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां पर हलचल बढ़ी है, शायद ये फ्लीट इस वक्त पहुंची वहां पर। बिल्कुल संजय,
तस्वीरों का इंतजार हो रहा है कि जो है रूट पूरा खाली करवा लिया गया है सिविल लाइंस का, और कुछ ही क्षणों में कैमरामैन मनोज को मैं कहूंगा कि वो जो जो सड़क आती है सिविल लाइंस में अशोक गहलोत की आवाज़ पर, उसका एक व्यू आपको दिखाए। यहाँ पर कुछ ही देरी में अशोक गहलोत की गाड़ी का काफिला जो है यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ एक जो हम बात कर रहे थे कि राजभवन जाने की, इस बात की चर्चा है कि यहाँ अशोक गहलोत कुछ देर रुकें और एक ऑफिशियल लिस्ट जब आ जाए पूरी तरीके से, उसके बाद एक शिष्टाचार मुलाकात जो होती है राज्यपाल से उसके लिए जाएं, वहाँ फिर हो सकता है सचिन पायलट भी उनके साथ हों। लेकिन एयरपोर्ट से सचिन पायलट के सिविल लाइन्स, अशोक गहलोत सिविल लाइन्स आ रहे हैं और वो जालूपुरा में अपने आवास पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ देर अपने लोगों को जिनको जगह मिलने जा रही है, जिनकी कन्फर्मेशन हो चुकी है, जो रह गए हैं, जिनको फ़ोन करना बाकी है उनको फ़ोन किया जाए, और फिर हो सकता है कि राजभवन जाएं और जो सूची उसके है बाद, उसके बाद बिल्कुल सही आपने कहा जो तैयारियां हो रही है उसको लेकर आगे बातचीत की जाए। सुशांत आपने